दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 7.5 KVA का रिव्यू वीडियो, और ये रिव्यू है ये वाराणसी से है, सीधा उत्तर प्रदेश में बनारस से। बनारस में नेक्सस सोलर एनर्जी के बिजनेस पार्टनर हैं अतुल जी, और ये वीडियो अतुल जी ने बनाया है। कस्टमर के यहाँ अतुल जी ने 7.5-96 PCU लगाया है, और 7.5-96 यानी 8 बैटरी के साथ 7.5 KVA लगाया है, और सोलर पैनल लगाए हैं उन्होंने। तो सोलर पैनल का मतलब हो गया आपका 2720 वाट सोलर पैनल लगा हुआ है, तो कितना जनरेशन कर रहा है और ये PCU मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, इस वीडियो में ये दिखाया जाएगा आपको। और उन्होंने ये चीज़ चेक की है और उन्होंने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाई है सीधी, और वो वीडियो मैं अनकट आपको दिखाऊंगा। तो ये PCU जो 7.5 है नेक्सस सोलर एनर्जी का, ये मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, और ये पैनल जो 2720 वाट है इसका जनरेशन कितना आ रहा है बायोफिशियल पैनल का, तो बिल्कुल अनकट मैं दिखाऊंगा उन्हीं की आवाज़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं नेक्सस सोलर से करीब 1 साल से जुड़ा हुआ हूं। आज हम लोग का प्लान हुआ कि कस्टमर के यहाँ जाकर के सिस्टम को चेक कराएं, जो कस्टमर संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो हम लोग गए वहां पर, उनके यहां सिस्टम 7.5 KVA 96 वोल्ट का लगा हुआ है और सोलर पैनल लगे हुए हैं। हम लोग ने पैनल को चेक कराया, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और कस्टमर भी काफ़ी संतुष्ट, बहुत सही आ रहा था। ये थोड़ा बढ़ाइए था उसको, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, धीरे बढ़ाइए धीरे धीरे। 55, 56, 57 बस रुके रहो, 56, 57 वाट आ रहे थे, थोड़ा सा बढ़ाओ, 800 है ना, 1000 करो, 1000 हो गया, 1000 वाट, 5700 ये जनरेशन देगा, लेकिन इतना इसको चलाइएगा नहीं। हाँ मतलब जनरेशन हाँ। तो पता चलेगा। जी जी जी, वो चलाएं कि एक ही से हो जाएगा। बासठ सौ अभी कम सर, आपका टोटल चल रहा है 2000 वाट। एक बार और अर्जुन देखा नन्ना के बताया वह देख ले जो ना कदे 55-56 वाट आवा था। देखा आउटपुट है 6-6603 ना, अब देखा जो ना इनपुट वहां से आवा था देखा 5589 इसको 5600 ग्राम आनी है ना ब्लिंक। हां तो 5600 मान ली। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो में, मैंने वीडियो के अभी आपके सामने वीडियो चलाई, उसमें आपने देखा जो पैनल चूँकि सोलह थे और सोलह पैनल में जो जनरेशन है वो आपका लगभग 5600 वाट का जनरेशन आ रहा है, और जबकि पैनल हमारा 2720 वाट है, तो जनरेशन ठीक आ रहा है। अब लोड की बात करते हैं, तो लोड जैसा आपने वीडियो में देखा 6503 वाट तक का लोड उन्होंने इस PCU पे दे दिया, पर वो मैक्सिमम लोड था। उसमें आपने देखा होगा वीडियो में एक बार लाल लाइट भी जल गई थी, क्योंकि वो मैक्सिमम लोड चला के चेक करना चाह रहे थे। देखिए दोस्तों, मोस्टली जो टॉप अच्छी कंपनियां होती हैं उनका जो पावर फैक्टर है 0.8 का है, लेकिन इस वीडियो में देख के मुझे लगा कि 7.5 KVA का जो नेक्सस का PCU है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसकी VOC 144 से 360 है, 8 बैटरी के साथ है, और इसमें 7.5 KVA तक का पूरा पैनल लगा सकते हैं, तो इसका जो पावर फैक्टर है
0.9 का काम कर रहा है, जैसा आपने देखा वीडियो में 0.9 का काम कर रहा है। दोस्तों मैं वीडियो में आपसे ये अपील ज़रूर करूँगा कि आप अगर 7.5 KVA का PSU लेना चाह रहे हैं या आप स्वयं कस्टमर हैं तो आप इतना लोड कंटिन्यू ना चलाने की सोचें इस पे, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए लोड टेस्ट किया गया है मैक्सिमम कितना ले सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यू आप मैक्सिमम पे किसी चीज़ को चलाएंगे तो उसका हीट होने का, फूकने का चांसेस रहता है। अगर आपका लोड 4 किलोवाट या 4 किलोवाट के आसपास है तो आप 7.5 KVA तक का PSU लें, अगर उससे ज़्यादा लोड है तो आप 10 KVA या उससे बड़ा PSU लें। क्योंकि अगर कंटिन्यू आप देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं, वीडियो को लंबी ना करते हुए, अगर किसी गाड़ी की टॉप स्पीड 160 है, उसे कंटिन्यू आप 160 पर चलाएंगे तो उसका इंजन सीज होने का चांस रहेगा। इसी प्रकार कोई भी PSU है उसकी पूरी क्षमता पर अगर उसे आप चलाओगे तो वो गर्म होने का चांस रहता है। ये कुछ टाइम के लिए लोड इतना आ सकता है, जैसे कोई मोटर उठी तो उसका जर्क लोड एकदम हैवी गया फिर डाउन आके अपना चलता रहा, या आपने कोई एसी है, एसी का कंप्रेसर एकदम उठती बार, नॉर्मल एसी जो होते हैं उनका कंप्रेसर उठा तो उसने लोड लिया कुछ टाइम के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड के बाद फिर नॉर्मल आ गया, रेसी रनिंग में आ गया, उस टाइम के लिए आप इतना मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू आप मैक्सिमम लोड PSU पे ना दें, उसे PSU ख़राब होने के चांसेस हैं। दोस्तों इस वीडियो में ये दिखाने का प्रयास किया गया है, और इस सीधा जो रिव्यू था कस्टमर का रिव्यू है, इसमें कोई चेंजिंग कोई कटअप नहीं किया गया है, सीधा जैसी वीडियो उन्होंने मोबाइल से बनाई है मैंने आपको सीधी की सीधी इसमें डाल दी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप 7.5 KVA को PSU पैनल या कोई भी नेक्सस का अगर आइटम आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पर बात करके सीधा नेक्सस के प्रोडक्ट ले सकते हैं, या नेक्सस की जो वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in वहाँ जाकर भी सीधा परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।